इस वीडियो में हम बात करेंगे आप इंडस आईएनडी मोबाइल बैंक के अंदर या फिर बैंक के अंदर ये जो बैंक है इसके अंदर आप लॉगिन रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली एंड तक वीडियो को देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बहुत सारी इशू आ जाती है, ये जो बैंक है इसमें लॉगिन नहीं हो पा रहा है, काफ़ी सारे लोगों का लॉगिन कैसे करना होता है वही नहीं पता है। नंबर यहाँ पे हम लगा देते हैं बट आगे इशू आना स्टार्ट होते हैं, तो कौन कौन सी इशू आती है वो भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो कि मेरे पास है। तो सबसे पहले मैंने मोबाइल नंबर डाला, अब यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे एक पहला एरर आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एरर के तौर पर यहाँ पे अभी ये इस तरीके से लिखा आएगा, योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड लिखा है। तो पहला ये एरर है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए रजिस्टर एंड लॉगिन ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से आगे मेरे सामने जो है खुल जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से आ गया है। अब मान लीजिए आपके पास यूज़र आईडी ऑलरेडी है बट आप उसको फॉरगेट करना चाहती है, मतलब आपको मिलाता था लेकिन आपको अब भूल गए, तो उस केस में पहला ऑप्शन है, मान लीजिए आपको इससे पहले यूज़र आईडी कभी मिला ही नहीं। दूसरा ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास नहीं है। इसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पर चार ऑप्शन आ जाते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट और व्हीकल्स लोन। किसके थ्रू आप जो है अपना यूज़र आईडी क्रिएट करना चाहोगे, बनाना चाहोगे, ये यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली सी सबके पास एटीएम कार्ड होता है, एटीएम सबको मिलेगा बैंक के, जब भी हम अकाउंट खोलते हैं तो एटीएम हमारे पास आती ही है। तो इस वाले ऑप्शन का डेबिट कार्ड के तौर पर हमें एटीएम के तौर पर डेबिट कार्ड चूज़ करना है। डेबिट कार्ड जैसे हम चूज़ करते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये डेबिट कार्ड की तरफ से आ चुकी है इस तरीके से, रजिस्टर व्यू डेबिट कार्ड। अब नीचे आएंगे हम और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अपने कार्ड का सीवी भी डालना है जो कि आपके कार्ड के लास्ट में, मतलब पीछे की तरफ से होगा। यहाँ पे ऊपर है कि डेबिट कार्ड नंबर, आपका एटीएम का जो नंबर है वो यहाँ पे डालना है, मंथ वाई, ठीक है, वाई वाई और मंथ मंथ, यानी कि आपका कार्ड कब तक वैलिड है वो यहाँ पे डिटेल डालनी होती है। सीवी भी है, एटीएम पिन आपने जो बनाई थी एटीएम का यूज़ करते वो डालना है। नीचे यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ वो डालनी है और उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड, आपका जो भी पैन नंबर है बैंक के साथ लिंक है वो डालना है। ठीक, तो ये सारी डिटेल भरेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो यूज़र आईडी है आपको वो मिल जाएगा। ये प्रोसेस है इसका, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।